पापा का मेहनत का पैसा आलोक जी ले लिए हैं और हम लोग को घर नहीं दे रहे हैं। हम लोग अभी भी रेंट पे रह रहे हैं। हम लोग पापा जी को फीस देने में, स्कूल फीस देने में बहुत प्रॉब्लम होती है। स्कूल से बार बार कॉल आता है, प्लीज़ पीएम अंकल, सीएम अंकल हम लोग का बात सुनिए। नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ अक्षय आनंद। पॉलिटिकल न्यूज़ की कवरेज करते हुए जब हम डाक बंगला से अपने ऑफिस की ओर बढ़ रहे थे तो सड़क पर एक नज़ारा दिखा है, कई सारे लोग अपने हाथों में मोमबत्तियाँ लिए खड़े हैं। पावर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इनके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जिसको लेकर के यह सड़कों पर खड़े हैं। इनसे जानते हैं कि दरअसल किस वजह से इनके हाथों में ये मोमबत्ती है और ये लोग सड़क पर हैं। हम लोग सभी लोग यहाँ पे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी हैं। सन 2014-15 में हमारे यहाँ से अग्रणी होम्स का लगभग 425 फ्लैट्स बुक हुआ था, जिसमें सब लोगों ने मिलकर लगभग 30 से 32 करोड़ रुपया उनको दिया था। आश्वासन ये था कि 3 साल के अंतर्गत फ्लैट बना करके दे देंगे, लेकिन आज जो है 2020 हो गया, बीच में बहुत प्रयास हुआ लेकिन अब तक फ्लैट नहीं मिला, ना कुछ काम हुआ है। इस बीच में ये भी मालूम हुआ कि उन्होंने अपनी ऑफिस भी बेच करके अन्यत्र चले गए हैं, हम लोगों से संपर्क नहीं हो रहा है। विवश होकर हम लोगों ने ये कैंडल मार्च किया है। इसके आगे भी हम लोगों का उद्देश्य यह है कि इस कैंडल मार्च के माध्यम से हम बिहार के मुख्यमंत्री जी और यूपी के मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि वो हम लोगों की समस्या को देखें और यहाँ के जो उच्च श्रेष्ठ अधिकारी हैं, उत्तम अधिकारी हैं, वो भी हम लोगों की समस्या को देखें और इसके जो प्रोप्राइटर हैं, इसके जो डायरेक्टर आलोक कुमार, उस पर कठोरतम कार्रवाई करें और जो भी जो है कानूनी कार्रवाई कर करके अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का जो पैसा इन्होंने लिया है उसको रिफंड कर दें, लेकिन संपर्क नहीं हो रहा है, इसीलिए आज हम लोगों ने कैंडल मार्च किया है। हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे और हम लोग भूख हड़ताल पर भी, आमरण अनशन पर भी बैठेंगे ताकि हमारी गाढ़ी कमाई जो है वो वापस लौटे। बहुत खेत के साथ ये भी करना पड़ता है कि हमारे बहुत सारे कर्मचारी रिटायर होने के बाद अपना पैसा इसमें लगाए थे, बहुत सारे लोगों का देहांत भी हो गया और उनके बच्चे दर दर भटक रहे हैं। विवश होकर हम लोगों ने ये कैंडल मार्च आरंभ किया है और आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कंपनी से कोई बातचीत, कोई जवाब? कोई जवाब नहीं मिल रहा है, बहुत दिनों से उनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, वो लापता है। प्रशासन की ओर से कोई बातचीत अभी तक नहीं हो पाया है। वही उद्देश्य है। रेरा में हम लोगों ने केस फाइल किया था, कुछ लोगों के फेवर में जजमेंट भी आ गया है कि हम लोगों का पैसा जो है विथ इंटरेस्ट और जो हमारे लीगल एक्सपेंसेस हुए हैं उसको लौटाया जाए, लेकिन इस पर भी अभी तक जो है अग्नि होम के तरफ से लगभग कितने पैसे फंसे होंगे? लगभग 30 से 32 करोड़ रुपये। तो 30 से 32 करोड़ रुपये फंसे हैं। यहाँ पर एक बच्ची भी हाथ में कैंडल लिए खड़ी है और भी लोग हैं परिवार के, ये नज़ारा आप देखिए। वी प्रे टू ऑनरेबल CM, ऑनरेबल कोर्ट टू हेल्प अस, वी प्रे ऑनरेबल CM टू हेल्प अस। CM से, कोर्ट से ये लोग मदद की मांग कर रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ खड़ी है। लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं इंसाफ को लेकर, अपने पैसे को वापस लेके। बाबू, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? मेरे पापा का मेहनत का पैसा आलोक जी ले लिए हैं और हम लोग को घर नहीं दे रहे हैं। हम लोग अभी भी रेंट पे रह रहे हैं। हम लोग पापा जी को फीस देने में, स्कूल फीस देने में बहुत प्रॉब्लम होती है। स्कूल से बार बार कॉल आता है, प्लीज़ PM अंकल, CM अंकल हम लोग का बात सुनिए। तो बाबू, कितना वक्त हो गया ऐसे चलते हुए? पाँच छः साल हो गया। पापा बहुत परेशान रहते होंगे। चलिए, तो इस बच्ची ने भी कम शब्दों में बहुत अच्छे से इस दिक्कत को समझा दिया है और अब समझना सरकार को भी बहुत ज़रूरी है कि ये लोग जो लोग अपने ज़िंदगी भर के मेहनत की गाढ़ी कमाई को कहीं इन्वेस्ट कर रहे थे, कई लोग तो रिटायर होने के बाद अपने पेंशन के पैसे को वहाँ लगा चुके थे, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी आती है वो उसको लेकर भाग जाती है। सर ने अपना पेंशन लगाया था, सर पेंशन के बाद मैंने पेंशन के पैसे से और रिटायरमेंट बेनिफिट के पैसे से वो 12 जुलाई अगस्त में बुक किया था, जिसमें डेट ऑफ पोजीशन देने का था 26 जनवरी 2015, लेकिन अभी तक पोजीशन मिला नहीं और वन रीजन और अनदर जो है इसको लोग टालते रहे हैं और अभी भी काम जो है वो पूरा नहीं है, अधूरा है। ये लोग
लोकेशन कहाँ पे था सर? अग्रणी कैलाश, वाल्मीकि नज़दीक में, गोविंदपुर पटना। ये एक्चुअली में मिस्टर आलोक जो हैं, ये ख्वाब का जो जाल इन्होंने बुना है, जाल ही मैं कहूँगा, क्योंकि वो एक जगह नहीं, ये सरारी में, ये रामकृष्णा नगर में, ये सगुना मोड़ के पास, ये वहाँ संपत चक के पास, ये बनारस में, इनका काम और कुछ भी नहीं था, उद्देश्य इतना था लोगों को धोखा देना। इन्होंने धोखा देने के लिए सबसे बड़ा इमोशनल गेम खेला, सबसे सस्ता मकान और सबसे जल्दी मकान, इसके लिए उन्होंने क्रिस गेल को बुलाया, सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मैं उनका कस्टमर हूँ, जब से फॉर्मेशन हुआ तब से हूँ, लेकिन दुख की बात यह है जो आज तक उन्होंने पैसा नहीं दिया है। मेरे साथ ऐसा घटना नहीं है, एक मेरे श्रीमान है, उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई इस ये सोच के दे दिया, जो आगे चल के वो पैसा जमीन वो घर को बेच के अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे। आलम ये है, 5 साल बीत जाने के बाद भी, पोजेशन के डेट से 5 साल से 8 साल बीत गया, नहीं मिला है। और इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है कि नियम ये है कि बिल्डर कोई पैसा जो खर्च कर सकता है वो इंजीनियर, आर्किटेक्चर और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर के बाद कर सकता है, कोई भी एक्सपेंस करना है तो बैंक से निकाल सकते, ये सब कुछ हुआ नहीं। रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और ये चीज़ चलता रहा। अगर ये चीज़ हुआ रहता तो ये बिहार में एक भी धोखाधड़ी का मामला नहीं आता, एक मेजर डिफॉल्ट है ये। हाँ, तो हम चाहेंगे कि लास्ट इस वीडियो का सीन इस बच्ची के चेहरे पर रहे और शायद इसका चेहरा, इसकी परेशानियाँ ऐसी हों जिससे सरकार या प्रशासन को थोड़ा फ़र्क पहुँचे, उनके कानों पर जूरेंगे और इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपने ज़िंदगी की बड़ी कमाई उस छोटे से आशियाने में लगा दी, जो 8 साल बीत जाने के बाद भी या 5 साल बीत जाने के बाद भी नहीं मिला है, उन्हें मिले। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।